अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज वेलकम करता हूँ आपको अपने फोर्थ व्लॉग में। आज की व्लॉग के अंदर जो है ना हम लोग मैं आप लोगों को जो है ना अपना सिस्टम के बारे में थोड़ा सा गाइड करूँगा और अपना सिस्टम दिखाऊंगा क्या क्या मैंने अंदर इसके अंदर लगाया हुआ है। और पिछले वाले व्लॉग के अंदर जो है ना हम लोगों ने स्टोर को जो है ना वो किया हुआ था, विजिट किया हुआ था, लेकिन वहाँ पे जो है ना अच्छा वाला व्लॉग नहीं बन सका था। तो इस वजह से जो है ना मैंने कहा कि जो है ना आप लोगों को एक न्यू व्लॉग बना लेते हैं। तो व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने इस यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल के आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को तुरंत ही नोटिफिकेशन सेंड हो। काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो है ना वो वीडियोस वगैरह तो वॉच करते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे जो है ना मेरी दरख्वास्त है कि वो सब्सक्राइब करें। और अगर किसी का कोई सवाल है ना व्लॉग के अंदर तो वो जो है ना हमसे बात कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, अपने सवाल जो है ना अपने कमेंट्स में जो है ना आप लोगों ने डाल देना है, तो वो हम जैसे ही जो है ना वो करेंगे आपसे रابطہ करेंगे कमेंट्स में। ओके, तो व्लॉग को स्टार्ट कर देते हैं। ये मेरा सिस्टम है, यहाँ पर हम लोग चल के जाते हैं। ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ये आप लोग देख सकते हो। ये सामने जो है ना हम लोगों ने चार्जर लिया हुआ था तकरीबन 150 रुपये का, तो ये पड़ा हुआ है, अभी थोड़ा सा ख़राब भी हो गया है। और ये जो है ना हम लोगों ने स्विच लिया हुआ था वो है 300 रुपये का, हम लोगों ने लिया हुआ था, जो आसानी से जो है ना आप लोग जो है ना परचेज़ कर सकते हो। अभी मैं अपने सिस्टम को जो है ना ऑन कर देता हूँ। ये हम लोगों ने जो है ना गेमिंग माउस लिया हुआ था, काफ़ी अच्छा, 500 रुपये का मिल जाएगा आप लोगों को ईजीली बाज़ार से। और ये हम लोगों ने कीबोर्ड लिया हुआ था तकरीबन 3000 रुपये का लिया होता। और ये हम लोगों ने सिस्टम बनाया हुआ है तो कोराई 5 4th जनरेशन है और 12 GB की रैम इंस्टॉल है इसके अंदर, और तकरीबन तकरीबन डबल हार्ड डिस्क एंड 1 SSD इंस्टॉल है 1 GB ग्राफिक कार्ड के साथ। और ये हम लोगों का जो है ना मोनीटर है 22 22 इंच LCD है। ये हम लोगों ने जो है ना एक और भी हेडफोन ख़रीदा हुआ था, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा हेडफोन है ये भी। इसके अंदर जो है ना आप लोगों को नॉइस और ये सारी चीज़ें जो है ना वो नहीं देखने को मिलेंगी, तो ये आप लोग देख भी सकते हैं। इसका नाम पढ़ लेते हैं, ये आप लोग जो है ना कोई चाइनीज़ है और इसका मॉडल A868 Pro है, तो ये इसका मॉडल है। इसको हम लोग वापस से रख लेते हैं। तो इधर हम लोग जो है ना अपना सिस्टम वो कर लेते हैं, चला लेते हैं। यहाँ से हम लोगों ने इसको अंदर स्विच कर दिया, स्विच ऑन करने के बाद जो है ना ये हम लोगों का ये सिस्टम ऑन हो रहा है। ओके, तो ये अभी जो है ना मैं आप लोगों को कीबोर्ड, अब ज़्यादातर लोग कहेंगे कि जो है ना कीबोर्ड के अंदर ऐसा क्या खास है जो आपने जो है ना 3000 रुपया का ख़रीदा हुआ है, तो इसका मैं जो है ना आप लोगों को सिंपल ये दिखा देता हूँ। ये हर की इसकी जो है ना हम लोग निकाल सकते हैं ईजीली विदाउट कोई वो किए हुए, ये आप लोग देख सकते हो। थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ। ओके, इसको मैं निकाल देता हूँ, ये आप लोग चेक कर सकते हो। इसकी जगह ये भी लगा सकते हो और इसकी जगह ये भी लगा सकते हो, ये आप लोग देख रहे हैं। ओके, तो हम लोग जो है ना सिस्टम को ऑन करते हैं। सिस्टम को ऑन करने के लिए जो है ना हम लोगों ने ये वाला यहाँ पे एक और स्विच सेटअप किया हुआ है, जिसको ऑन करने के बाद जो है ना यहाँ माउस से पता चल जाता है कि जो है ना इसके अंदर जो है ना बिजली वो है, बिजली आ चुकी है। तब यहाँ से जो है ना हम लोगों ने स्विच को ऑन कर देना है, प्रेस कर देना है, ये आप लोग देख सकते हो, ये इसने रेड लाइट ऑन कर दिया, तो अभी ये ऑन हो रहा है, सही है। तो अभी ये आप लोग देख सकते हो, ये है हम लोगों की कीबोर्ड की खासियत। थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ। ओके, आप लोग देख सकते हो ये लाइट्स वाला कीबोर्ड है, तो इस वजह से जो है ना इसकी वो इतनी खास है, वैल्यू इतना महंगा इस वजह से है क्योंकि हम लोगों ने इसको परचेज किया हुआ था लाइटों की वजह से। और बाकी बाकी जो है ना यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है ना इसके और फंक्शन भी दिखा देता हूँ, एक मिनट सब्र करें, थोड़ा फोकस होने दें। तो ये आप लोग देख सकते हो, इधर कैमरा भी ज़्यादातर शेक हो रहा है ना, तो इस वजह से जो है ना थोड़ा थोड़ा ब्लर होके आपको नज़र आ रहा है। तो ये वाला जो है बटन है ना हम लोग प्रेस कर देते हैं तो ये जो है ना इसका कोई और लाइट वाला जो है ना फंक्शन है वो ऑन हो जाते हैं, ये आप लोग चेक कर सकते हो। हर की को प्रेस करने के बाद जो है ना उसकी अलग अलग लाइट ऑन होगी, आप लोग देख सकते हो। अब चलते हैं इसके दूसरे वाले फंक्शन में, तो ये हम लोगों ने प्रेस कर दिया। अब यहाँ से कोई भी बटन जो है ना हम लोग दबाते हैं तो इस तरह से जो है ना ये ब्लिंकिंग स्टार्ट कर देगा, ये आप लोग चेक कर सकते हो, ये आप लोग देख सकते हो। तो चलते हैं अपने ओके, यहाँ पर हम लोग इसको एक और कर लेते हैं, तो ये आप लोग इसका और फंक्शन देख सकते हो। यहाँ से चलते हैं, इसको एक और फंक्शन ये मिल चुका है,
ये इसका हम लोग कोई और फंक्शन कर देंगे, और ये इसका फुल ब्राइट वाला फंक्शन है। बस ये आखिरी सात आई थिंक 60 जो है ना ऑप्शन है इसके अंदर लाइट के, और ये आप लोग जो है ना इसके हर की को जो है ना आप लोग इस तरह से अलग कर सकते हो, मतलब कोई मसला नहीं करेगा, आप लोग देख सकते हो। अब हम इसको दोबारा से लगा लेते हैं यहाँ पे, और ओके मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा इसको लगा देता हूँ। सही है, ये लग चुका है और हमारा सिस्टम जो है ना यहाँ पर ऑन हो चुका है, ये आप लोग देख सकते हो। इधर जो है ना मैं आप लोगों को और भी चीज़ दिखा देता हूँ। इधर जो है ना मैंने ये बुक रखे हुए हैं, कुछ बुक है और एक हेडफोन है, एक जो है ना पानी की बोतल है, और वहाँ पे जो है ना अंदर वो चीज़ें हैं पड़ी है, क्या कहते हैं उनमें जो है ना मेरा ओल्ड क्लास का जितना भी जो है ना बुक्स वगैरह है, वहाँ जो है ना हम लोगों ने एक और वहाँ जगह बनाई है तो उसके अंदर वहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये व्लॉग यहीं तक एंड कर लेते हैं, और ये आप लोग देख सकते हो कुछ मोबाइल मैं दिखाना भूल गया था, ये मैंने मोबाइल भी परचेज़ किए हुए हैं, ये तकरीबन 2000-2500 के जो है ना मुझे पड़े थे, यूज में मोबाइल है लेकिन इनके जो है ना जस्ट कैमरा क्वालिटी अच्छा है, तो इस वजह से मैंने इस मोबाइलों को परचेज़ किया हुआ था। तो व्लॉग को यहीं पर एंड कर लेते हैं क्योंकि जो है ना व्लॉग काफ़ी बढ़ गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो जो है ना अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी निकली की सूरत में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ इस बेल के आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।